Hello everyone, our today's topic is Gandhian phase. In this video, we'll try to look what is Gandhian phase, what are the methods in Gandhian phase, what is Satyagraha, what is village program, and in this video, we'll also understand what are the criticisms of Gandhiji. So let's begin. जैसा कि मैंने बताया है 1915 से लेकर 1948 इस फेज को गांधीयन फेज बोलते हैं. 1858 के बाद कोई टेरिटरी में एक्सपेंड नहीं हुआ इंडिया के, जो ब्रिटिशर कैप्चर किए थे इतना एरिया ब्रिटिशर के द्वारा कैप्चर किया गया था. ऑल द इंडियन की बात कर रहा हूँ, एग्रेशन बाहर में हुआ था. ये जो शेडो एरिया देख रहे हैं ये प्रिंसली स्टेट है, ये सुजरेनिटी के ब्रिटिश सुजरेनिटी के अंदर आते हैं. और ये डार्क जो शेडो एरिया है रेड कलर का, ये डायरेक्टली रूल्ड बाई ब्रिटिशर्स. अब हम समझते हैं इंडियन नेशनलिज्म. गांधीयन फेस समझने से पहले हम इंडियन नेशनलिज्म समझेंगे. इंडियन नेशनलिज्म स्टार्ट होता है 1858 के बाद, अवेयरनेस लोगों में आने लगती है स्लो. ऑल दो उस पीरियड में बस इलीट को पता था व्हाट इज नेशनलिज्म, वो भी उतने मास स्केल पे अवेयर नहीं थे व्हाट इज ट्रू नेशनलिज्म. गांधी जी ने इसको स्प्रेड कराना चाहा. नेशनलिज्म की फीलिंग कब आएगी, जब हमको नेशन पता होगा, एक स्टेट के बारे में पता होगा और नेशन के बारे में पता होगा, ये फीलिंग एमर्ज होगी. उससे पहले 1885 में जब INC फॉर्म हुई थी तो मॉडरेट फेज अपनाया गया था 1905 तक, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज चला. अब हम गांधीयन फेज चलेंगे 1915 के बाद. 1915 में ही गांधी जी आ गए थे. तो ये गांधी जी समझते थे कि मॉरली और सोशली इकोनॉमिकली उन लोगों को अवेयर कराएंगे जब मास को, तभी हम ब्रिटिश को एक्सपेल कर पाएंगे, ब्रिटिश को यहाँ से हटा पाएंगे और आज़ादी ले पाएंगे और स्वराज ले पाएंगे. इसी के लिए गांधी जी ने गांधीयन फेज अपनाया, इसीलिए मेथड अपनाया नॉन वायलेंट ट्रुथ. ये सब मेथड इतना आसान था कि लोग मास उस पर बिलीव कर सकते थे और उनके साथ ईजिली जुड़ सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम. गांधी फेज में मॉरली भी बिलीव करते थे, मॉरली इन द सेंस कि लोगों को सच्चाई बताया जाए, नॉन वायलेंस पर बिलीव कराया जाए जिससे ब्रिटिश से लड़ सकते थे. अगर हम गन से लड़ेंगे तो ब्रिटिश हमें हरा देंगे, क्योंकि 1915 की बात हो रही है जब ब्रिटिशर को लगभग 150 साल इंडिया में हो चुके थे, कैप्चर किए हुए इंडिया को, इंडिया पे रूल करते हुए. तो वो समझता था निटिग्रिटी और जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे उसके कैसे इन्फ्लुएंस के अंडर में थे. इसलिए वो मास को गांधी जी भी अवेयर करना चाहते थे और ब्रिटिश भी इनको डिवाइड करना चाहते था. ब्रिटिश का मेथड था अगर ब्रिटिश डिवाइड कर देगा मास को तो ये टूटे रहेंगे, बिखरे रहेंगे, हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएंगे. गांधी जी इसको बहुत बारीकी समझते थे, इसीलिए मॉरली इनको अवेयर कराने चाहते थे, इनके मेथड को सोशली इकट्ठा करना चाहते थे. सोशली इन द सेंस कि उसमें डिवीजन नहीं चाहते थे, हिंदू मुसलमान में ना कोई कास्ट सिस्टम भेदभाव के लिए गांधी जी अवेयर करा है. ना कि उनको डंडा दिए, ना ही लाठी दिए, ना ही बंदूक दिए कि ब्रिटिश अगेंस्ट डायरेक्ट लड़ो. इनका मेथड आप समझिए, साउथ अफ्रीका में 1894 जब गांधी जी आए, 1894 तो ये भी मॉडरेट फेज अपनाए थे, थ्री पीस प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट, ये मेथड अपनाए थे, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो गांधीयन मेथड निकालना पड़ा जिससे इनको सक्सेस मिली. सोशली भी कर दिया, इकोनॉमिकली इन द सेंस कि ऐसा मोटो उठाएंगे जो हर सोसाइटी को, हर कास्ट को, हर रिलीजन को इम्पैक्ट करता हो, जिससे हमारा समाज एक हो सके और जिसकी जो कंट्री है उसको, जो उस पर रूल कर रहा है उसे एक्सपेल कर सकें, उसी को एक्सपेल का जब तब कर पाएंगे हम जब हमारा सारा मास, सारा रिलीजन और सारा कास्ट और डाइवर्सिटी हमारी एक हो. पॉलिटिकली भी ब्रिटिश से कैसे लड़ेंगे वो भी अवेयर कराया नॉन वायलेंस से, ट्रुथ से. यही मेथड था स्वराज को पाने का गांधी जी का, दैट इज सेल्फ रूल. ब्रिटिशर क्या चाहते थे, डिवीजन सोसाइटी में चाहते थे, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी देते थे, उनको थोड़ी लालच देके फिर उनसे काम मतलब निकालते थे, अपना पनिश करते थे. वो बहुत एडवांस थे टेक्नोलॉजिकली, सोशली, पॉलिटिकली. वो अपने आप को ऐसा समझते थे कि जो इंडियंस हैं वो कैपेबल नहीं है खुद को रूल करने के लिए, वो यहाँ आए हैं सबको स्किल प्रोवाइड करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए. जो कि बाद में दादा भाई नौरोजी ने ये सब पब्लिश करके, अपने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनमें पब्लिश करके ये उनका रिवील किया है ट्रूथ, रियल एजेंडा. उस समय का मास कैसा था, अनअवेयर था, इशू लेस था, क्या इशू होना चाहिए, अपने इशू में परेशान था, ट्राइबल अपने एग्रीकल्चर के लिए परेशान थे, कोई नेशनलिज्म की फीलिंग और नेशन की फीलिंग नहीं आई थी. रियल एम क्या होना चाहिए ब्रिटिश के अगेंस्ट वो नहीं समझ पा रहे थे. तो गांधीयन फेज ही एक ऐसा आता है उस पीरियड में 1915 से लेकर 1948 तक जो लोगों को समझाता है व्हाट इज गांधीयन फेज. इसका मतलब समझता है नेशनलिज्म अगर फीलिंग आएगी तभी हम ब्रिटिश को एक्सपेल कर पाएंगे अपनी कंट्री से, एक जनरेट कर पाएंगे अवेयरनेस, एक इमोशनली जोड़ पाएंगे, वो मॉरली होगा और इंटेलेक्चुअली होगा, इथिकली होगा, तभी हम एक्सपेल कर पाएंगे ब्रिटिशर को. ये गांधी जी का इंडियन नेशनलिज्म का मोटो था, इसी के तहत अपना काम स्टार्ट किया उन्होंने गांधी जी ने. हम समझेंगे कि गांधी जी ने गांधीयन फेज में स्टेप क्या क्या लिया,
उसका रेलेवेंट हम देख सकते हैं गांधी फेज में क्या हुआ। जैसे लीडर सिर्फ अब महात्मा गांधी, 1915 में आए गांधी जी, 2 साल घूमे, ऑल दो ये इनएक्टिव थे, 1917 के बाद चंपारण किया, खेड़ा किया, फिर देखेंगे 17 में चंपारण, उसके बाद खेड़ा, फिर नॉन कॉपरेशन 1922 में किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी एक की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसमें साल सत्याग्रह लेके आया, ऐसा कॉमन एक इशू उठाया जो हर मास को कनेक्ट कर सके, नमक सब खाता है, हिंदू भी खाता है, मुसलमान भी खाता है, वर्ना सिस्टम में जो कास्ट डिवीजन की गई थी ब्रिटिशर के द्वारा उसको भी वो टच करते हैं। ऑल दो वर्ना सिस्टम पहले से थी लेकिन उसको और एग्जैक्रेट और पिन पॉइंट और डेप्थ में ले आता है ब्रिटिशर रिजर्वेशन के अगेंस्ट ये सब इशू करके। फिट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने शो दिखाया। नेक्स्ट समझेंगे मास पार्टिसिपेशन गांधी जी में आया, वुमेन पार्टिसिपेट की, किंग पार्टिसिपेट किए, जमींदार पार्टिसिपेट किए, हिंदू मुस्लिम पार्टिसिपेट किए, हर कास्ट से लोग पार्टिसिपेट किए, लोअर कास्ट पार्टिसिपेट किए, इलीट पार्टिसिपेट किए। गांधी जी फिलॉसफी क्या थी, मेनली ट्रुथ थी, नॉन वायलेंस थी, सेल्फ रिलायंस थी, सिंप्लिसिटी थी, यही सब मेथड गांधी जी का इतना सिंपल होता था कि लोग मास को अट्रैक्ट कर सकता था, इशू बेस्ड रहते थे जो हर कास्ट को हर कम्युनिटी को कनेक्ट कर सके, नॉन कॉपरेशन देख लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देख लीजिए, ऐसा इशू उठाता था गांधी जी सबको कनेक्ट कर सके। शिफ्ट इन स्ट्रेटजी मैंने बताया, 3 पीस से शिफ्ट किया, जो मॉडरेट का फेस था उसको एक्सटेंड किया, अपना मेथड लेके आया, गांधी ने फेस में इम्प्लीमेंट कराया। इम्पैक्ट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, जब एक हर दूसरे के धर्म का, हर रिलीजन का, हर कास्ट का जोड़े एक मत पे, दैट इज नेशनलिज्म, फीलिंग इमोशनली जोड़े, ये काम किए, उसी को यूज़ करके इंडिपेंडेंस की तरफ वो ले गए। वो समझते थे कि इतनी जल्दी हम ब्रिटिश को एक्सपेल नहीं कर पाएंगे और वही टाइम डिले होगा, इसीलिए वो मेथड उनका बहुत स्लो चला, स्लो एंड स्टडी चला, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होगा अगर ये सक्सेसफुल हो पाए तो। अब समझेंगे व्हाट इज सत्याग्रह। गांधी जी सत्याग्रह का मतलब था बाहर के चेंजेस से पहले खुद में चेंज लाना, खुद में चेंज लाना इन द सेंस ट्रुथ, नॉन वायलेंस अहिंसा, ये मीन्स है, ये प्रोसेस है, जैसे कि आपका UPSC प्रिपरेशन में वो प्रिपरेशन प्रोसेस है वो नॉन वायलेंस है, और जो एंड है आपका रैंकिंग वो ट्रुथ है, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरवीन्ड है, अलग नहीं कर सकते। सेल्फ सफरिंग की तपस्या में, सत्याग्रह में आप दूसरे को वायलेंट नहीं करेंगे, खुद सफ़र करेंगे मॉरली, अंदर से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाया, जैसे कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन, रिलायंस सोशल एफर्ट, मास मोबिलाइजेशन, स्प्रिट फाउंडेशन, यही सत्याग्रह का इनका बेसिक मोटो था, इन्हीं पे गांधी जी ने काम किया। हम समझेंगे आइडिया ऑफ गांधी जी का विलेज का प्रोग्राम क्या था, ग्राम स्वराज का मतलब गांधी जी के लिए क्या, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन हर धर्म के लिए सब बराबर हो, गांधी जी का विलेज ग्राम स्वराज का मेथड ये था। अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, गांधी जी की मेथड में ही वुमेन पहले घर से नहीं निकलती थी, गांधी जी का इतना भरोसा दिलाया अपने मास पे, अपने विलेजेस कम्युनिटी पे, कि अगर वुमेन पार्टिसिपेट करिए गांधी जी के प्रोग्राम में तो एक्सेप्टेबल था, एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट कराया, लोअर क्लास में पार्टिसिपेट किया, डिस्क्रिमिनेशन हटाया अपर कास्ट लोअर क्लास को, प्रोहिबिशन ऑफ लेबर, वो कहना चाहते थे कि जो लेबर थे उनका जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो रिड्यूस होगा अगर हम अपना काम, अपना मेनुअल वर्क खुद से करें। अनटचेबिलिटी पे उन्होंने दूर करने की बात की, कॉटेज इंडस्ट्री लगाने की बात की, कॉटेज इंडस्ट्री लगाने से हमारा सेल्फ सफिशियंसी आएगी, बाहर के हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं करेंगे, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया अपनी लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में। अब हम कुछ समझेंगे गांधी जी का क्रिटिसिज्म क्या था। गांधी जी का क्रिटिसिज्म समझने से पहले हम ये समझना पड़ेगा गांधी जी की रियल आइडिया इसके पीछे है, हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये जस्टिफाइड पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन कहीं हद तक गांधी जी भी में कुछ नेगेटिव डीमेरिट्स थे जो कि उनको फेस करने पड़े, जैसे अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम, बहुत से उन पर ब्लेम लगते हैं कि अपीज मुस्लिम को करते थे, आप पार्टीशन के दौरान भी देखेंगे जो मॉस्क में जो हिंदू ठहरे थे उनको बाहर निकाले, कास्ट सिस्टम वो बरना को फेवर करते थे, वो फंक्शनल बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य, जैसे कि आज हम द हिंदू पढ़ते हैं तो जो अनअवेयर होगा द हिंदू का नाम सुन के सोचेगा कि ये हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए नहीं, रिलीजन बेस्ड है, ऐसे ही वो राम राज्य लेके आया तो एक स्प्रेड मैसेज कराया गया कि राम राज्य हिंदू मेजोरिटी कंट्री का राज, जो कि ऐसा नहीं था। डिवीजन अमंग लीडर्स ड्यूरिंग हिज लीडरशिप, उनके लीडरशिप में उनकी आइडिया से बहुत सहमत नहीं हुई, जैसे नेहरू कुछ बात सहमत नहीं हो रहे थे, अंबेडकर नहीं सहमत हो रहे थे, मुस्लिम लीग नहीं सहमत हो रही थी, इसीलिए एक्टिव ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन मुस्लिम लीग एक्टिव थी उस टाइम, हिंदू महासभा थी, RSS थी, ये सब भी ऑर्गेनाइजेशन उस समय एक्टिव थी, इनके पैरेलली गांधीयन फेस के दौरान
इशू विद अंबेडकर, अंबेडकर से इशू थे दलित का रिजर्वेशन लेके, उनको कैसे अपलिफ्टमेंट करना, उनसे इशू चल रहे थे। अब हम समझेंगे कंक्लूजन। आप क्रिटिज्म देखे होंगे, उसके बावजूद भी गांधी जी का स्टेचर पूरे वर्ल्ड में आज भी बहुत इम्पैक्टफुल है। आप ये G20 की मीटिंग से देख सकते हैं, ये गांधी जी की समाधि है राजघाट पे। ये G20 के पूरे इंटरनेशनल के जितने भी कंट्रीज हैं G20 में, सारे मेंबर्स समाधि पे बो डाउन कर रहे हैं अगेंस्ट गांधी जी। हम ऐसी कंट्री का नाम भी नहीं सुने होंगे जहां गांधी जी का स्टैचू बना है। वो सिग्निफिकेंस करता है गांधी जी का कितना इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड में। इसी तरह उन्हीं का जो ये स्ट्रगल था गांधीयन फेज, इसी की बदौलत इंडिपेंडेंस मिला। ऑल दो अदर लीडर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट एंड विल प्रोसीड देयर आफ्टर। थैंक यू।